फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाटे, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए और यूजफुल वीडियो के साथ। सो गेस व्हाट, व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आवर टुडेज टॉपिक इज यूजेस ऑफ डू, डज, डिड। वी हैव ऑलरेडी कंडक्ट दिस टॉपिक। ओके, हम ये टॉपिक सीख चुके हैं, बट आज मैं इसका डिफरेंट यूज़ आपको बताने वाली हूँ। मतलब इससे पहले हमने डू, डज और डिड का यूज़ एज अ इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए किया था। आज हम सिंपल मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डू, डज और डिड ये क्या है। इट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ टू डू। ओके, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ टू डू। डू एंड डज यूज फॉर प्रेजेंट एंड डिड यूज फॉर पास्ट टेंस। ओके, तो ये जो डू डज का जो पास्ट फॉर्म है वो डिड कहलाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डू और डज कहाँ पे यूज करना है। तो ये जो डू डज है वो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब जो एवरीडे एक्शन होती है उसके लिए हम डू या फिर डज का यूज करते हैं। देन हम यूज करेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, मतलब इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन बनाने के लिए, और अगेन उसका यूज़ है नेगेटिव सेंटेंस। मतलब हम डू, डज या इसका अगर नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पॉजिटिव यूज़ क्या है, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस है जो सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग करते हैं तो उसमें डू, डज का यूज़ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस में डू का यूज़ कहाँ पे करना है और डज का यूज़ कहाँ पे करना है ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये जो डू यूज़ करेंगे हम फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आपको डज लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद डू का यूज़ करना है। ओके, तो सब्जेक्ट मीन्स क्या, आपकी हिंदी में जिसको हम कर्ता बोलते हैं कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डू के लिए हम कौन से सब्जेक्ट के लिए हम डू यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे डू। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उसके बाद भी आप डू का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई थिंग होगी, कोई चीज़ होगी तो उसके बाद भी आपको, मतलब अगर वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो उसके बाद भी डू का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई, अभी आप आई और यू जो है इसमें एक्सेप्शन है, बिकॉज आई अगर फिर भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, फिर भी एज ए एक्सेप्शनल हम इसका यूज़ करेंगे, तो ये प्लूरल पे काउंट होते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है कि जो प्लूरल है उसके बाद आपको डू का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं डज का यूज़ कहाँ पे करना है। जब सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद आपको यूज़ करना है, या फिर थिंग उसके बाद आपको यूज़ करना है डज। ओके, सो ही डज, शी डज, इट डज या फिर कोई सिंगुलर सिंगल नेम है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे शंतनु तो उसके बाद भी आएगा शंतनु डज। ओके, तो सिंगुलर नाउन के लिए डज का यूज़ करना है। तो डू और डज आपको कहाँ पे यूज़ करना है वो अगर समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं डिड की तरफ। ये जो डिड है वो डू डज का पास्ट फॉर्म है, तो ऑब्वियसली इसका यूज़ भी पास्ट में ही होने वाला है, सिंपल पास्ट में। ओके, जो भी एक्शन आपने की है, आप कर चुके हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे डिड, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई डिड दिस, आई डिड दैट। ओके, तो ये किया, वो किया, इसलिए हम यूज़ करेंगे डिड। अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू या फिर डज का यूज़ करना था। अभी डिड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यू कैन यूज इट फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, जो जब सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, प्लूरल नाउन है या फिर ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर नाउन है, इट मीन्स ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो ऑल सब्जेक्ट के बाद आप डिड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर प्रेजेंट में यूज होते हैं तो डिड खाली पास्ट में यूज होता है, ये एक ही है, इसलिए ऑल सब्जेक्ट के बाद आप डिड का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ डू, डज एंड डिड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी डज सम क्रिएटिव वर्क इन हर बेडरूम, मतलब वो अपने कमरे में कुछ क्रिएटिव वर्क करती है। ओके, करने के लिए हम डज का यूज़ करेंगे, शी डज। अब यहाँ पे डज क्यों यूज़ किया, जस्ट बिकॉज ऑफ शी, एंड सी इज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पर्सन, इसलिए हमने डज का यूज़ किया। जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर के लिए आप डज का यूज़ कर सकते हैं।
ही डज वॉन्ट टू ज्वाइन माई टीम दिस ईयर, मतलब वो इस साल मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहता है. मतलब यहाँ पे भी कुछ करने की एक्शन है, तभी ही के बाद डज का यूज होगा बिकॉज ही इज अ सिंगुलर पर्सन. नेक्स्ट इज आई डू बिलीव इन माई सेल्फ. ओके, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ, यहाँ पे भी करने की एक्शन है, तो आई के बाद आपको डू यूज करना है. आई डू बिलीव इन माई सेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज शी डज एवरीथिंग ओनली फॉर योर रेपुटेशन, मतलब तुम्हारे सम्मान के लिए ये वो ये सब करती है. ओके, यहाँ पे भी करने की एक्शन है, शी डज एवरीथिंग ओनली फॉर योर रेपुटेशन. नेक्स्ट इज राज डज हिज होमवर्क रेगुलरली, राज अपना होमवर्क हर रोज पूरा करता है. नेक्स्ट इज शी डिड हर बेस्ट टू हेल्प हिम, मतलब उसे हेल्प करने के लिए उसने अपना पूरा एफर्ट दिया, उसने अपना पूरा बेस्ट दिया. दिया मतलब डिड, क्योंकि एक्शन हुई है. नेक्स्ट इज आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत सारा काम किया. ओके, तो इस बात से मतलब यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि हम डू डज का यूज जनरली क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं या फिर नेगेटिव में यूज़ करते हैं. आज हमने इसका डिफरेंट यूज समझा, जो कि करने से रिलेटेड है, किया है. तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप डू डज डिड का यूज़ कर सकते हैं. वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.